नमस्ते यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज बनाते हैं बच्चों के लिए कद्दू और टमाटर का एक बहुत ही हेल्दी पराठा। यहाँ मैंने कद्दू और एक टमाटर को अच्छे से बॉईल किया है और उसी के पानी के साथ यहाँ मैं उसकी प्योरी बना लूँगी। साथ ही यहाँ मैंने एक छोटी हरी मिर्च भी लिया है। इस तरह से हम जार में ले लेंगे, जो पानी है थोड़ा सा वो भी ले लेंगे, उसका पानी फेंकेंगे नहीं। और बस इसमें हम एक हरी मिर्च, अगर आपका बच्चा हरी मिर्च खाता है तो डालें, वरना स्किप कर दीजिए। इस तरह से प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया सी प्यूरी यहाँ बनकर तैयार है। अब हम एक कटोरी आटा ले लेंगे। आटे में 2 चम्मच के करीब हम बेसन डालेंगे। बेसन से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है और पराठा और भी ज़्यादा हेल्दी बन जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा अजवाइन लिया है, अजवाइन को भी हम क्रश कर कर डाल देंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सौंफ भी ली है, सौंफ को भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और थोड़ा सा टेस्ट के लिए कसूरी मेथी, कसूरी मेथी से इसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ताज़ी हरी मेथी भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच बारीक बारीक काट कर। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है और साथ ही यहाँ पर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अगर आपका बच्चा तीखा खाना पसंद करता है तो आप यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब जो हमने प्यूरी तैयार किया है ना, उससे हम आटे को गूंथ लेंगे। हम यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हमने जो प्यूरी बनाई है उससे हमको आटा गूंथ कर तैयार करना है। बढ़िया सा एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आटे में और भी ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर हम इस तरह से एक लोई ले लेंगे, थोड़ा सा बेलेंगे और अंदर हम घी लगा लेंगे। घी लगाने से पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है। ये घर का घी है, घर का घी बच्चों को देना चाहिए बनाकर, बहुत हेल्दी होता है। यहाँ पे इस तरह से हम एक ट्रायंगल शेप में पराठा बेलकर तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास वो जो हमने प्यूरी बनाई है ना, अगर वो बच जाती है तो उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अगर एक्स्ट्रा बच गई है तो उसको हम थोड़ा सा तड़का लगा के, थोड़ा सा राई का तड़का लगा के, उसमें थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा जेगरी डालकर एक बढ़िया सी सॉस बनाकर बच्चों को पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ट्रायंगल शेप में पराठे को बेल लिया है। अब हम इसे घी में या बटर में सेक लेंगे, बट बच्चों को तो घी देना चाहिए क्योंकि घी सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों के लिए। ऑयल जितना कम हो सके उतना कम देना चाहिए। यहाँ पे अच्छे से हम इसको सेक लेंगे। ये देखिए बढ़िया सा हमारा पराठा बनकर तैयार है। आप इसको बच्चों को नाश्ते में दे सकते हैं या लंच में दे सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और सॉफ्ट भी रहता है लंबे समय तक के। अगर आप बच्चों को लंच में दे रहे हैं तो थोड़ा सा मोटा बेलिए पराठा, उससे क्या होता है पराठा सॉफ्ट रहता है लंबे समय तक के। थोड़ा सा मोटा बेलिए और धीमी आँच पे सेकिए तो पराठा बहुत देर तक के सॉफ्ट रहेगा बच्चों के लंच बॉक्स में। यहाँ पर इस तरह से अच्छे से हम घी लगा के सेक लेंगे। ये हमारा बढ़िया सा पराठा बनकर यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमने जितना आटा गूंदा है सारे पराठे बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा बहुत ही बढ़िया पराठा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये देखिए यहाँ पर एकदम हमारा सॉफ्ट सा पराठा बनकर तैयार है। ये बच्चों के लिए हेल्दी तो है ही है, ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। छोटे बच्चे भी इसे आराम से खा लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया बना है। थैंक यू यूट्यूब।